परिचर्चा हुई। राज्यसभा में सदस्यों के प्रश्नों का जवाब संबंधित विभाग के मंत्रियों ने दिया। उधर लोकसभा ने कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 46,000 से अधिक परिवार अपने ही देश में विस्थापित हो गए। उन्होंने कहा कि ये कश्मीरी पंडितों को हक दिलाने का बिल है। कश्मीर के लिए एक प्रकार से तीन युद्ध हुए। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया, इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में फैल गए। वो पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 48, 65 और 71 ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। ये विस्थापितों की स्थिति के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है। आज वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़कर वहां की असेंबली में बैठ पाए। जो कहते हैं क्या हुआ धारा 370, कहां हुआ 5 और 6 अगस्त 2019 में? ये हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला।